وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो थोड़ा देर से अपडेट करने के लिए यार माजरा चाहता हूँ सब भाइयों से। बाकी जो है ना, जैसे कि देख रहे हैं हमारे हाफिज़ साहब ने तिलावत की और साथ में जो है ना दुआ कर रहे हैं, दुआ खैर की, क्योंकि हमारे रैकर हो गए हैं कम्प्लीट। तो लास्ट रैकर रहता था वो अभी रखेंगे दुआ से पहले, दुआ करके फिर वो, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना कंप्लीट हो चुका है, रैकर का, बाहर के कॉलम का, क्रेन का जो है ना कंप्लीट काम हो चुका है, सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह से, मतलब कि कोई ऐसा नुकसान नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह से, कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ना था ना, मतलब के रैकरों का और साथ में क्या कहते हैं कॉलमों का, 400 टन क्रेन के साथ सब सेफ्टी से और ऐसा कोई नुकसान भी नहीं आया, सब हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। दुआ खैर की पड़ी, उसके बाद फिर मिठाई वगैरह बांटी, वो भी खाई हम लोगों ने। उसके बाद ये हमारी टीम थी जिन्होंने जो है ना मेहनत की, हर एक भाई ने यार अपना अपना किरदार निभाया और एक दूसरे का ख्याल करते हुए हम लोगों ने जो है ना ये काम कंप्लीट किया रैकरों का। और ये हमारी टीम है जो मतलब के सुपरवाइज़र हो गए, उस्ताद हो गए और वेल्डर हो गए, सब जो है ना मिलजुल के हम लोगों ने काम किया और आज के दिन में जो है ना हमारे रैकर कम्प्लीट हो गए। बाकी चलते हैं लास्ट ट्रैकर की तरफ। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, हम लोग ने शिंगे वगैरह लगाई, ये हमारा लास्ट ट्रैकर है, इसको उठा के हम लोग ऊपर रखने लगे। उसके बाद यार काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे कि यार आप लेट हो जाते हो, मतलब के अपडेट नहीं कर रहे, दो तीन दिन बाद ही करते हो। यार मैं चाहता हूँ कि मैं यार डेली अपडेट करूँ, ठीक है ना, मेरे इसमें कुछ नहीं जाता, मैं डेली भी कर सकता हूँ, सही है ना। उसमें ये सीन है डेली बेसिस में यार, वीडियो मैं बना के ऐसे डाल दूँ, व्यू तो मेरे आएंगे मुझे पता है, उसके बाद जब तुम लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो क्या फ़ायदा, ऐसे कि नहीं। तो इसलिए मैं यार चाहता हूँ यार वीडियो में बनाऊँ, प्रॉपर बनाऊँ, और यार ऐसी वीडियो के यार सामने वाला बंदा जो देख रहा है उसको भी पता चले कि भाई वीडियो में ऐसा क्या है और क्या देखने को मिला। तो भाई इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। दूसरी बात यह है कि सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक काम चल रहा है, 11 बजे तक, उसके अंदर मैं वीडियो शूट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा। अगर मैं वीडियो शूट भी कर लूँ एडिट करने में, 11 बजे के बाद आके बंदा मुंह धोता है, हाथ धो के, मुंह भी नहीं धो के बल्कि हाथ धो के मुझे खाना खाना पड़ता है, खाना खा के हाथ मुंह धो के 12 बज जाते हैं, तब सो जाता हूँ मैं, क्योंकि सुबह फिर टाइम पर उठ के मुझे ड्यूटी पर जाना होता है। इसी चक्कर में मैं जो है ना फिर आगे पीछे हो जाता हूँ, सही है ना। इसी वजह से मैं 2 से 3 दिन लेट हो गए, क्योंकि क्रेन को हम लोगों ने जल्दी फारिग करना था, क्योंकि क्रेन के जो है ना लास्ट डेट चल रहे थे, इसका जो है ना एक मतलब कि डेट थी कि भाई इस डेट को क्रेन को फारिग करना, जो काम बचा था वो हम लोग कंप्लीट करने के चक्कर में टाइम नहीं मिला मुझे अपडेट करने के लिए, ठीक है ना। बाकी जैसे कि देख रहे हैं रैकर हमारा ऊपर की तरफ पहुंच चुका है, रैकर हम लोग यहाँ पर जो है ना रैकर को रखा, वेल्डिंग वगैरह की। ये सीन था भाई कि इसी वजह से मैं थोड़ा लेट होता रहा। बाकी इंशाल्लाह क्रेन जा रही है, मतलब कि कल ये इतवार वाले दिन, मतलब हफ्ते नहीं, इतवार वाले दिन जो है खोलना स्टार्ट करेंगे, 3-4 दिन लग जाएंगे इसे, मतलब कि थोड़ा सा मतलब घूम कर एक एक पीस करके खोलने पड़ेंगे ना, तो उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे शिफ्टिंग इसको निकालने के में, इसको बाहर निकाल के ना उसके बाद फिर हम लोग लगाने शुरू कर देंगे ब्लीचर जो फ्रंट वाले 2 स्टैंड के, पहले फ्रंट वाले लगाएंगे, उसके ऊपर जो फ्रंट वाले के बैक साइड पर जो आएंगे हमारे छते वो रखने स्टार्ट कर देंगे। बाकी जैसे कि देख रहे हैं ऊपर की तरफ आ चुके हैं हम लोग, नीचे से आप लोगों ने देखा ही रैकर उठाते हुए, तो हम लोग रैकर ऊपर की तरफ रख रहे हैं। बाकी भाई फ्रंट वाले लगेंगे हम लोग, पहले फ्रंट वाले लगा के ना यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे 400 टन क्रेन खड़ी है ना, यहाँ पे 220 लगा के इस गेट से हम लोगों ने फ्रंट वाले स्टार्ट करनी है, और फ्रंट वालों के ऊपर बैक साइड की छतें होंगी, उसके ऊपर हमारे ब्लीचर भराई हो चुके हैं, मतलब कि 4 स्टेप तक हमारे ब्लीचर भराई हो चुके हैं। एक रैकर पर हमारे 4 ब्लीचर आ सकते हैं, वही 4 लेकर आएंगे हम गोल गोल, ठीक है ना। फ्रंट वाले लगाते आएंगे, साथ में हम ब्लीचर भी रखते आएंगे, ठीक है ना। तो ब्लीचर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, मतलब कि आज पहली है, तो उसके बाद समझो कि 12 या 13 तारीख को हम लोगों ने ब्लीचर रखने स्टार्ट कर देने और साथ में फ्रंट वाले लगाने स्टार्ट कर देने, मतलब 8-10 दिन लग जाएंगे, 5 दिन तो हमारे लग जाएंगे हमारे 400 टन क्रेन को शिफ्ट करने में, मतलब कि बाहर
उसको मतलब कि पीस पीस करके बाहर भेजने में, वो तो जा रही है, उसका काम हो गया फिनिश, ठीक है ना। वो कल के दिन में उसका काम फिनिश हो जाएगा, वो चली जाएगी। उसके बाद हमारा काम रहेगा 420 टन करेंगे के साथ। हाँ, रही बात बैक साइड कॉलमों की, टॉप के कॉलमों की, वो भाई उस पर क्रेन आने वाली है हमारी, मतलब कि हमारी क्रेन उस पर आएगी, अल्लाह तुम्हारा भला करे, वहाँ पर आएगी हमारी 600 टन, या यही वापस आएगी, या 600 टन आएगी, या आएगी 1200 टन, कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। ये जो अक्सर लोग कमेंट कर रहे हैं भाई कि ये आएगी वो होगी, कन्फर्म नहीं है कि कौन सी आने वाली है, शायद यही वापस आ जाए, क्योंकि ये इन्होंने इस क्रेन ने भी पहले जो है ना कॉलम लगाए हैं बैक साइड के ऊपर के, शायद यही वापस आ जाए या 1200 टन आ जाए, अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ये भी लगा सकती है। फिलहाल जो है ना इसका टाइम हो गया, ये तो जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद यार जिन्होंने सब्सक्राइब की नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। बाकी जैसे कि देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा स्टैंड हो गया, 2 स्टैंड, और काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई ये स्टैंड जो है ना अलग व्यू पकड़ेगा। माशाल्लाह से मैंने ऊपर से जाके व्यू बनाया था, तो माशाल्लाह से एक अलग व्यू आ रहा है। बाकी जो ना ब्लीचर जब रखेंगे ना, वो एक अलग व्यू बन जाएगा, वो हम लोगों ने 10 दिनों तक स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। बाकी यार मैं माजरा चाहता हूँ सब भाई से यार थोड़ा देर से अपडेट करने के लिए, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह मैं बस थोड़ा फ्री हो जाऊँ, ऊपर से तबीयत भी सही नहीं है, ठीक है ना, आवाज़ मेरी चेंज होगी। बाकी आप लोगों को महसूस होना हो, पर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आवाज़ चेंज है। बाकी यार उसके बाद मैं जो है इंशाल्लाह फिर फ्री होकर मैं डेली बेसिस पे अपडेट करूँगा। फिलहाल मैं माजरा चाहता हूँ सब भाइयों से, दिल से माजरा चाहता हूँ, ठीक है ना। मुझे टाइम नहीं मिला, बाकी वीडियो बनाने में कोई इशू नहीं है, मैं ऐसे भी बना के डाल सकता हूँ, व्यू भी आएंगे, यानी कि व्यू नहीं आएंगे, व्यू भी आएंगे। पर ये सीन के भाई जब मैं वीडियो ऐसे ही बना के डाल दूँ, ना आप लोगों की समझ में आए ना मेरी समझ में, फ़ायदा तो नहीं है ना। बाकी थैंक यू सो मच यार भाइयों ने जो कमेंट किया, उनके लिए थैंक यू सो मच, लव यू हो गया सब भाइयों के लिए। उसके बाद हमने फिर सेल्फीज वगैरह ली जो हमारी टीम थी, बाकी जैसे कि देख रहे हैं ये हमारी टीम है जो हम लोग साथ में वर्क करते हैं। बाकी सब की जाना लव यू हो गया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।